हाँ जी नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य हूँ। आज इस वीडियो पे चर्चा करेंगे। अभी श्राद्ध पक्ष स्टार्ट होने वाला है। श्राद्ध श्रद्धा का विषय है और इसमें मान्यता ये है कि जो और जगत के लिए कार्य किए जाते हैं उन कार्यों को रोक देना चाहिए। जैसे कोई सामान लेना है आपको, कोई नवीन कार्य करना है, अनुष्ठान करना है, एक भ्रांति है। देवता पूजन के लिए भी मना किया जाता है, एक भ्रांति है। तो श्राद्ध पक्ष इसलिए भी आपको जानना आवश्यक है ज्योतिष के दृष्टिकोण से कि एक कुंडली में योग बनता है पितृ दोष। तो पितृ दोष श्राद्ध से रिलेटेड है, उसकी शांति इन्हीं पक्षों में होती है। तो पहले तो पितृ दोष बने ही ना, इसलिए श्राद्ध को जाने। तो श्राद्ध श्रद्धा का विषय है। हमारे 365 दिन में से प्रत्येक जो अमावस्या होती है वो पितरों के लिए है। उस दिन पितरों के लिए श्राद्ध करना आवश्यक है। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो 15 दिन जो है 16 दिन पितरों के लिए बनाए गए हैं, इन 16 दिन में पितरों के निमित्त आपको कार्य करना चाहिए। 16 संस्कार और पितरों के लिए 16 दिन। अब देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, तीन तरह के ऋण माने जाते हैं। तो जो पितृ ऋण होता है उससे उऋण होने के लिए भी ये श्राद्ध पक्ष आपके लिए महत्वपूर्ण है। इस बार श्राद्ध पक्ष 20 सितंबर से आरंभ होगा, पूर्णिमा के दिन से, और 6 अक्टूबर को जाके समाप्त होगा। इसमें आपको क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, थोड़ी सी उसकी चर्चा कर लेंगे। देखिए, श्राद्ध जो है श्रद्धा का विषय है और पितृ ऋण चुकाने का सबसे सहज और सरल मार्ग है। इस कार्य करने से केवल पितर ही नहीं अपितु आपके सगे संबंधी और जो सृष्टि के कर्ता धरता है ब्रह्मा जी, वो प्रसन्न होते हैं, समस्त प्राणी प्रसन्न होते हैं और अपने आप को तृप्त महसूस करते हैं। इसलिए सत्य और श्रद्धा के साथ जो आप कार्य करते हैं वो श्राद्ध कहलाता है। तो जब आप काम करें तो सत्य और श्रद्धा के साथ, माने भावना आपकी शुद्ध होनी चाहिए। हमारे यहाँ 5 यज्ञ की बात की गई है, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ। उसमें एक पितृ यज्ञ होता है ना, ये जब आप श्राद्ध करते हैं तो ये पितृ यज्ञ कहलाता है। तो श्राद्ध हमारे जो माता पिता या उनके माता पिता जो भी घर में लोग नहीं रहे, वो आवश्यक नहीं है कि वो ब्रह्म लोग गए हों, उनको मुक्ति मिल गई हो। हो सकता है वो ना तो आकाश में हो, ना तो ब्रह्मलोक स्वर्ग लोक में हो, ना तो पृथ्वी लोक में हो, 20 के लोक में हो, जिसको पितर लोक पंछी लोक बोलते हैं, वहाँ पे हो। वो 1 वर्ष से लेकर 100 वर्ष तक रह सकते हैं, आवश्यक नहीं है कि उनको नई योनि मिल गई हो। तो ऐसे लोग चाहते हैं कि उनकी संतान उन्हें याद करें। अगर ये कहे कि गणेश पूजन से पहले पितृ पूजन करना चाहिए तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। जिन घर में शुभ कार्यों में अपने पितरों को याद नहीं किया जाता, उन्हीं के कुंडली में पितृ दोष लगता है। तो अगर ये जो 15 दिन है इसमें जो देवता की उपासना के लिए मना किया गया है, वो इसीलिए मना किया गया है कि ये सिर्फ और सिर्फ 15 दिन अपने पितरों को मनाइए, क्योंकि जो देवताओं से रश्मियाँ आ रही हैं वो आपके पितरों से होते हुए आएंगी। तो अगर आपके कुंडली में पितृदोष का निर्माण है तो इस श्राद्ध पक्ष को श्रद्धा के साथ मनाइए। अब आपके जो भी पिता, बाबा जी, दादी माँ जो भी गुजर गए हैं, उनका अंतिम संस्कार अच्छे से हुआ होगा और उनको आप श्राद्ध कर्म उनका कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप नहीं कर रहे हैं तो श्राद्ध कर्म करिए। एक इसमें आता है विधि तर्पण। तर्पण तृप्ति करने का है। तर्पण से क्या होता है, तृप्ति होती है। अब ये जिस तिथि को आपके पूर्वज गए हैं उसी तिथि पे करने का विधान है। अगर आपको नहीं पता है तो अमावस्या के दिन किसी के लिए भी कर सकते हैं। और जो लोग दुर्घटना में काल के गाल में समा गए हैं, स्वाभाविक मृत्यु को नहीं प्राप्त हुए हैं, उनके लिए शास्त्र हमारे चतुर्दशी तिथि को बताते हैं कि इस दिन उनके लिए श्राद्ध और तर्पण आपको करना चाहिए। विधान बहुत सरल सा है। आप अपने यहाँ उस तिथि को पंडित जी को श्रद्धा के साथ बुला के ले आइए। अगर आप पंडित जी को नहीं बुला सकते तब भी आप स्वतः भी कर सकते हैं, लेकिन करिएगा अवश्य। आपको हर जगह पंडित जी मिल जाएंगे, क्योंकि आपके जो पितर हैं वो इस श्राद्ध में एक आवश्यक बिंदु होता है कि जो
आपके ब्राह्मण हैं जो पुरोहित हैं जो आचार्य हैं जो दान होता है आप उन्हीं को देते हैं और बिना दान के आपका श्राद्ध कर्म पूरा नहीं होता, इसलिए आपको बुलाना ही पड़ेगा। तो बुला के ले आए और घर में जो आपके आपके जिनके लिए आप श्राद्ध कर रहे हैं जो उनको पसंद है उनके अनुसार बनाए, साथ में पंडित जी को भी पसंद का ख्याल कर लें। आपके हो सकता है पितरों को जो पसंद हो वो पंडित जी को पसंद ही नहीं है, तो उससे भी थोड़ा सा सामंजस्य कम बनेगा, तो दोनों का सामंजस्य बना लीजिए। और फिर उसके बाद जो पंडित जी कर्म कराते हैं श्राद्ध संबंधित, वो श्राद्ध संबंधित कर्म करिए। उसके पश्चात अगर आप चाहें तो आप इन 15 दिनों में कुछ मंत्रों का जाप करके अपने कुंडली में बने हुए पितृ दोष से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। 5 ऐसे मंत्र हैं जिनके जाप करने के पश्चात आपकी कुंडली में जो पितृ दोष है वो समाप्त हो जाता है। तो शास्त्रकार हमारे कहते हैं कि ओम कुल देवताय नमः, ओम कुल देवताय नमः, अगर इस मंत्र का आप जाप करते हैं तो फिर क्या होता है कि आपकी कुंडली में जो पितृ दोष बना हुआ है वो समाप्त हो जाएगा। इसको आपको प्रति 21 बार जाप करना चाहिए। ओम कुल देव्यै नमः, इस मंत्र का भी आपको प्रतिदिन 21 बार जाप करना चाहिए। ओम नाग देवताय नमः, इस मंत्र का भी आपको प्रतिदिन 21 बार जाप करना चाहिए। ओम पितृ देवताय नमः, इसका आपको 108 बार प्रतिदिन जाप करना चाहिए, और खासकर जिस दिन आपके पितर गए हैं उस तिथि को, दिन का मतलब तिथि, उस तिथि को जाप करना चाहिए। और 5वां मंत्र है सबके लिए है, ओम पितृगणाय विद्महे जगत धारिणे धीमहि तन्नो पित्रो प्रचोदयात्। शास्त्रकार कहते हैं कि इसको आपको जाप 1,00,000 करना चाहिए, लेकिन आप 1,100 बार का जाप करते हैं तो पितृ ऋण से आपको मुक्ति मिलेगी। और पितृ ऋण से मुक्ति मिलेगी तो क्या होगा, देखिए श्राद्ध कर्म करने से लाभ क्या होता है, हम लोग लाभ के पीछे बहुत भागते हैं। तो शास्त्रकार कहते हैं श्रद्धा यदि अस्मात्, जो श्रद्धा से अगर आप दान कर रहे हैं, श्रद्धा से दे रहे हैं, तो श्रद्धा से श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति होगी, आयु प्राप्त होगा, आरोग्य प्राप्त होगा, ऐश्वर्य प्राप्त होगा, इच्छित वस्तु की प्राप्त होगी। हम आप बात करेंगे कि कुंडली में ये बनता कैसे है, उसके बारे में अगले वीडियो पर बात करेंगे, इसमें सिर्फ श्राद्ध कर्म पर बात करेंगे। तो 20 तारीख को पूर्णिमा के दिन से आरंभ हो रहा है, तो 21 को प्रथम श्राद्ध है माने प्रतिपदा का श्राद्ध है, 22 को द्वितीया का श्राद्ध है, और 23 को तृतीया का श्राद्ध है, 24 को चतुर्थी का श्राद्ध है, 25 को पंचमी का श्राद्ध है, और 26 को श्राद्ध नहीं है, 27 को षष्ठी का श्राद्ध है, और 28 को सप्तमी का श्राद्ध है, 29 को अष्टमी का श्राद्ध है, 30 को नौमी का श्राद्ध है, 1 तारीख को दसवीं का श्राद्ध है, 2 तारीख को एकादशी का श्राद्ध है, और 3 तारीख को द्वादशी वाला श्राद्ध है, 4 को त्रयोदशी वाला श्राद्ध है, 5 तारीख को जिनका एक्सीडेंट हो गया है, जो अकाल काल के गाल में समाप्त गए हैं उनके लिए श्राद्ध की बात की गई है, और 6 तारीख को अमावस्या का श्राद्ध है, जिनके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है कब कैसे गए हैं किस तिथि को गए हैं, उनके लिए आप श्राद्ध का कार्य कर सकते हैं। क्यों करना है, हमारे माता पिता हमारे लिए अनेक कष्ट सहते हैं। हर पिता अपने बच्चों को पालने में अपने एड़ी चोटी का जोर लगा देता है, खुद की अंडरवियर और बनियान फटी की फटी रह जाए लेकिन बच्चा डिमांड करता है तो उसके लिए रेमंड के कपड़े आते हैं, रेमंड की चीज़ें पहनता है, माने जो बेस्ट हो सकता है वो अपने संतान को देता है, अपनी भावनाओं को मार के, अपनी इच्छा को मार के अपने बच्चों के लिए जीता है। वही कार्य जीवन में पत्नी भी करती है, माने माता पिता में पिता ये काम करता है तो माता भी काम करती है। इसीलिए एक बात हमारे समाज में कही गई है कि स्त्री की आयु और पुरुष की इनकम कभी नहीं पूछनी चाहिए, क्योंकि पुरुष अपने लिए नहीं कमाता, परिवार के लिए कमाता है, और स्त्री अपने लिए नहीं जीती, परिवार के लिए जीती है, इसलिए इनकी आयु और इनकी इनकम के बारे में बात नहीं करना चाहिए, किसी से नहीं पूछना चाहिए आपकी आयु कितनी है या आपकी इनकम कितनी है। तो ये लोग माता पिता अपने बच्चों के लिए ही जीते हैं, अनेकानेक कष्ट सहते हैं, अपने परिस्थिति के अनुसार आपको बेहतर देने की कोशिश करते हैं, और जब आप बड़े हो जाते हैं तो आपको लगता है कि ये तो सब नॉर्मल सी बातें हैं, ये तो हम भी करते हैं। तो ये अगर आप उनके प्रति जो भावनाएं हैं आपकी दूषित होने लगती हैं तो फिर आपके कुंडली में पितृ दोष बनना शुरू हो जाता है, फिर आप पितृ ऋण आपके ऊपर आ जाता है, और ये ऋण आने से आपकी प्रगति रुक जाती है,
संतान संबंधी कष्ट आपको मिलते हैं, घर का वातावरण कलहयुक्त हो जाता है, क्या क्या परेशानी आती है उसकी चर्चा अलग से वीडियो पे करेंगे। तो ये श्राद्ध पक्ष है इसका उपयोग करें। देखें अभी हम भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाए, राधा जी का जन्मोत्सव मनाए, गणपत जी का जन्मोत्सव मनाए, तीन तीन जन्मोत्सव मनाए। इसके बाद हम शक्ति की आराधना करेंगे। किसकी आराधना करेंगे? शक्ति की। लेकिन शक्ति की आराधना के पहले पितरों की आराधना करिए। शास्त्र हमारे क्या आदेश देते हैं? शक्ति की आराधना के पहले पितरों की आराधना करो। अगर पितरों की आराधना नहीं कर रहे हैं तो शक्ति की आराधना आपकी पूर्ण ही नहीं होगी। आप स्टेप बाय स्टेप चढ़ रहे हैं ना, आप बीच की स्टेप को छोड़ोगे, मुंह के बल नीचे गिरोगे, दांत टूट जाएंगे। इसलिए स्टेप बाय स्टेप चढ़िए। शक्ति की आराधना के पूर्व पितरों की आराधना करिए। इसीलिए ये जो 15 दिन हमारे शास्त्रकारों ने विद्वानों ने कहा है कि कोई भी नए कार्य नहीं करना चाहिए। आप घर कार बनाने में उलझ जाएंगे, घर आप बनाना शुरू कर दिए तो पितरों के प्रति जो आपके कर्तव्य हैं उसको भूल जाएंगे। आप कोई नई गाड़ी लेके आए हैं तो फिर गाड़ी लेके आप जो है भ्रमण पे निकल जाएंगे तो पितरों के प्रति जो श्रद्धा है वो आपकी खत्म हो जाएगी। आप कोई नवीन अनुष्ठान अपने घर में करवा लिए तो आपको जो पितरों के लिए कार्य करना था वो आप भूल जाएंगे। इसीलिए हमारे शास्त्रकारों ने कहा है कि पितृपक्ष में ये सारे कार्य नहीं करना चाहिए। यदि आप कर लेते हैं तो उसका नुकसान नहीं होगा, लेकिन ना करने के पीछे जो कारण है शास्त्रकारों ने इसीलिए बताया। अब अगर आप अपने पितरों के प्रति श्रद्धावान हैं तो आपकी संतान देख रही है कि हमारे माता पिता अपने माता पिता के लिए क्या कर रहे हैं। हमारी संतानें वो बिल्कुल नहीं करेंगी जो हम कह रहे हैं, हमारी संतानें वो अवश्य करेंगी जो हम कर रहे हैं। तो पितृ ऋण से मुक्ति के साथ साथ बच्चों को संस्कार देने के लिए भी इस परंपरा को अपनाना बहुत आवश्यक है।